आज हम प्रकृति और पुरुष के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ये दो ही चीजें हैं जिनसे मिलकर के ये सारा संसार बना हुआ है। और भगवान गीता में कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, इनका कोई आदि और अंत नहीं है, हमेशा रहने वाले हैं। अब इस चर्चा की हमें क्या जरूरत है, क्योंकि इसी में से हम भी कोई हैं, पर उसका हमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, पता नहीं है, इसीलिए हमारी बुद्धि विपरीत देखती है और उसके कारण से सारे हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो भी हमारे सुख के, मोक्ष के, कल्याण के विपरीत ही होते हैं। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए और ये विवेक जग जाए कि असल में इन दोनों में से हम क्या हैं, तो फिर जीवन में एक इस तरह का परिवर्तन होता है। जीवात्मा को लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैं कृतकृत हो गया, मैं धन धन्य हो गया हूँ। अब हम थोड़ा इस पर विचार करते हैं, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। पंच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच इनकी तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये पूरा जो विभाग है ये प्रकृति का विभाग है। जितने नाम अभी हमने लिए हैं ये सारे के सारे प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो है वो पुरुष है। प्रकृति माने जड़ और पुरुष माने चैतन्य। जड़ माने जो स्वयं कुछ नहीं कर सकती, जिसको कुछ विवेक नहीं है, जिसमें चैतन्यता नहीं है, और पुरुष माने जो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है। तो ये जो हमने 27 नाम आपको गिनाए, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। और जिससे इस प्रकृति का ज्ञान होता है, जैसे हम सभी जानते हैं कि मैं हूँ, ये जो मैं हूँ ये किससे पता चलता है? शरीर से तो पता चल नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो इन्हीं 27 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए शरीर तो जड़ ही है। तो जड़ में तो ज्ञान होता नहीं है, फिर ज्ञान किस में है? ज्ञान ये पुरुष में है। जो पुरुष ज्ञान स्वरूप है उसके कारण से ही हमें, हमारा भी पता चलता है कि मैं हूं, और इस शरीर का भी पता चलता है। शरीर का ही नहीं, संसार की एक एक वस्तु का हमें पता चलता है कि ये है, ये है, ये है। उसका कारण, ये ध्यान रखिए, बहुत महत्व की बात है, उसका कारण ये प्रकृति नहीं है, उसका कारण पुरुष है। अब शरीर जब सो जाता है, सुषुप्ति अवस्था में होता है, उस समय हमें शरीर की भी याद नहीं रहती कि शरीर है, कि घर है, कि संसार है, कुछ भी याद नहीं रहती। पर जब हम जगते हैं तब हमें ये भी याद रहती है कि आज बहुत अच्छी नींद आई। तो उस नींद में भी, जिसमें हमें शरीर और संसार का कोई भान नहीं था, उस समय भी कोई ऐसी चीज थी जो उस गहरी नींद का भी एहसास कर रही थी, जो जगने के बाद ये कहता है आज बड़ी अच्छी नींद आई, या कभी कभी ये कहता है आज नींद बिल्कुल आई ही नहीं, आज सपने ही आते रहे। ये जो तत्व है जिससे गहरी नींद में भी आपको क्या हुआ है, कैसी नींद आई है, वो एहसास बना रहता है, उस तत्व का नाम ही पुरुष है। वही चैतन्य है, वही ज्ञान है। जड़ चैतन्य गुण दोषमय विश्वकीन करता। विधाता ने संसार को जड़ और चेतन से मिलाकर के बनाया है। अब
इनमें से हम क्या हैं ये हमें पता चलना चाहिए। एक बार मैं इंदौर में भागवत कथा कर रहा था तो मैंने ऐसे कुछ प्रसंग आया तो श्रोताओं में पूछ दिया कि भैया ये बताओ हम लोग शरीर हैं कि आत्मा हैं। तो एक माता जी बड़ी जल्दी उठ करके खड़ी हो गई और उन्होंने कहा हम शरीर हैं। तो बड़ी हंसी आई कि भागवत सुनते इतने दिन से कथा सुनते हैं पर फिर भी अभी यही पता नहीं है कि हम क्या हैं। तो जब ये जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है और हमें पता चल जाता है हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। किस तरह से हैं? जैसे बिजली का तार होता है और बिजली होती है, तार और बिजली रहते जरूर साथ में हैं पर होते दोनों अलग ही हैं। इसलिए तार के टंगे रहने पर भी बिजली आती और जाती रहती है। ऐसे ही हम शरीर के अंदर आत्मा हैं। जरा जवानी बचपना कहे देह के धर्म, अमर अविनाशी आत्मा यही सभी का मर्म। जो पुरुष है वो हम हैं, जो आत्मा जिसको कहते हैं, चेतन जिसको कहते हैं, ज्ञान जिसको कहते हैं, वो हम हैं। हम ये शरीर नहीं है, शरीर तो जड़ है, इसमें ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञान तो उस चेतन का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो जो परमात्मा का अंश जीवात्मा है उसको चेतन कहा है। तो अब बात जब ये समझ में आ जाती है तो हम अपने पक्ष में चले जाते हैं, हम चैतन्य हैं उस स्वरूप में चले जाते हैं। तब फिर हमारे जीवन के हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, हमारे क्रियाकलाप, हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं प्रकृति ही क्रियमाणानी गुणई कर्माणी सर्वसहा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिहि मन्यते। ये जो कुछ भी संसार में हो रहा है ये प्रकृति में ही हो रहा है, पर जब जीव विमूढ़ हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, अज्ञान में चला जाता है और वो अपने को ही शरीर मानने लग जाता है, पर शरीर तब शरीर से होने वाली हर क्रिया को अपने द्वारा होती हुई मानता है और उस अविवेक के कारण से फिर जीव कर्ता बन जाता है और उसके कारण से इसको भोक्तापन का भी एहसास होता है और जन्म मृत्यु का जो अनादि चक्कर है ये इसके ऊपर से छूटता नहीं। पर जब ये अपने आप को जान लेता है कि मैं सो अस्मि अहम ब्रह्मास्मि, जैसे भगवान सबरी को कह रहे मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो हम जब अपने स्वरूप को, अपने ज्ञान स्वरूप को, अपने चैतन्य स्वरूप को पुरुष, इसीलिए व्यवहार में भी हम लोग एक दूसरे को कहते हैं पुरुष ही कहते हैं, शरीर नहीं कहते हैं। ये पुरुष हैं, इतने पुरुष यहाँ रहते हैं, इतने पुरुष वहां रहते हैं, इस घर में इतने पुरुष रहते हैं। तो ये जो पुरुष है वही चैतन्य है, वही आत्मा है, वही ज्ञान स्वरूप है और वही हम हैं, वही हम सब हैं। इसको जानने के बाद जीवन सफल हो जाता है। और सच बात तो यही है, ये है कि वही परमात्मा है, वही भगवान है। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ राम स्वरूप जान मोहे परेऊ। ये भगवान आत्मा को जानना और परमात्मा को जानना एक ही है, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान एक ही है, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार दोनों एक ही हैं। इसके बाद जीव का जीवन सफल हो जाता है। धन्यवाद।